नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भीम सिंह। हमारे चैनल टेक्निकल अरिजीत पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम जब YouTube पर नए नए आते हैं तो हमारे व्यूज़ नहीं आते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि व्यू क्यों नहीं आ रहे हैं, लोग हमें क्यों नहीं देख रहे हैं। हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छे वीडियो बना रहे हैं, परंतु एक भी लोग हमें नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं, हम तरह तरह के सवाल अपने अंदर लाते हैं और कई बार निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, यूट्यूब पर डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, कई बार काम करना बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति में बचने के लिए मैं दोस्तों दो बातें बताऊंगा कि आप किस प्रकार की गलतियां करते हैं, वो गलतियां मत करना, तो आपके व्यूज आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी बात। तो दोस्तों, आप अपना वीडियो अपलोड कर देते हो, अपलोड करने से पहले पूरा दिमाग आपको लगाना है कि टाइटल क्या लगाना है, टैग क्या लगाना है, डिस्क्रिप्शन क्या लगाना है, थंबनेल कैसा लगाना है, ये चीज़ें पहले से होमवर्क कर लें आप। पहले से होमवर्क किया हुआ दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होता है, क्योंकि अगर हम पब्लिश कर देते हैं वीडियो और उसके बाद टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल बदलते हैं, तो उसका वीडियो का इम्प्रेशन यूट्यूब अच्छा नहीं मानेगा और इम्प्रेशन उसका अच्छा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पब्लिक करने के बाद टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन मत बदलें। हाँ, बहुत ज़्यादा वो चल जाए और उसके बाद आपको लगे कि इसका थंबनेल बदलने लायक है या टाइटल बदलने लायक है, तो वो अलग चीज़ है। परंतु तुरंत आपको पब्लिश करने के बाद आपको टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन चेंज नहीं करना है। आपको पहले ही मेहनत करके अच्छा सा टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन तैयार करना है और वही लगाना है। तो दोस्तों, इससे इम्प्रेशन आपका अच्छा पड़ेगा और आपके चैनल की और वीडियो की इमेज ख़राब नहीं होगी। तो इस बात का दोस्तों विशेष ध्यान रखें कि पब्लिक करने के बाद चैनल की टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन वीडियो के चेंज नहीं करना आपको। दूसरी गलती हम करते रहते हैं दोस्तों कि हम हमारे वीडियो को पब्लिक करने के बाद शेयर करने में लग जाते हैं। व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया, फेसबुक पे कर दिया, इंस्टाग्राम के ऊपर कर दिया, कम्युनिटी टैब में कर दिया, ट्विटर पे कर दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ अपनी आईडी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, अपना यूआरएल कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इससे हमारा इंप्रेशन बिल्कुल ख़राब हो जाता है वीडियो का दोस्तों। इससे हमारा ऑडियो रिटेंशन इतना ख़राब हो जाता है कि हमारा वीडियो बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं पाता। तो आपको दोस्तों भूल से भी कभी अपने वीडियो को शेयर नहीं करना है, शेयर वहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगे कि पांच चार दोस्त एकदम विश्वसनीय है, वो आपका वीडियो पूरा देखें, तो ये आपको करना है, वरना तो बिल्कुल भी आपको वीडियो शेयर नहीं करना दोस्तों। ये बहुत ही ख़तरनाक आदत है, हमें लालच रहता है कि हमारे व्यूज़ आ जाएंगे 50 के पास, अगर हम शेयर करेंगे तो 50 व्यूज़ आ जाएंगे। परंतु दोस्तों, वो व्यूज़ बिल्कुल भी काम के नहीं है, क्योंकि उसमें ऑडियो रिटेंशन नहीं आता। आपकी कैटेगरी का कोई बंदा नहीं होगा तो आपके चैनल को, आपकी वीडियो को वो क्यों देखेगा? वो चालू करेगा क्योंकि आपने शेयर किया है, और तुरंत ही बंद कर देगा एक दो सेकंड में उस वीडियो को। तो आपका ऑडियो रिटेंशन दोस्तों, ऑडियो रिटेंशन यही है कि आपने दो मिनट का वीडियो बनाया है तो एक सेकंड, दो सेकंड, पाँच सेकंड, आधे मिनट देखेंगे तो ऑडियो रिटेंशन बिल्कुल भी ख़राब हो जाएगा दोस्तों। 10-20% ऑडियो रिटेंशन आएगा तो आपके गड़बड़ा जाएगा पूरा वीडियो का इंप्रेशन। तो दोस्तों, आप कभी भी शेयर अपने वीडियो को मत करना और अपने वीडियो का इम्प्रेशन कभी भी ख़राब मत करना। आप किस प्रकार से वीडियो शेयर करते हैं, इसका मैं आई बटन में एक लिंक दे रहा हूँ, एंड स्क्रीन में भी आपको एक वीडियो मिलेगा, तो उसको देख लेना किस प्रकार से आपको शेयर करना है, वो आपको एग्जैक्ट तरीका पता लग जाएगा। परंतु फालतू का शेयर आपको कभी भी नहीं करना है, इससे आपके चैनल का और अपने वीडियो का इम्प्रेशन ख़राब होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार की गलतियों से अगर आप बचोगे तो आपका चैनल चलेगा, आपका वीडियो चलेगा, वीडियो वायरल होगा और आपका चैनल ग्रो होगा। इसी प्रकार की जानकारियों के लिए दोस्तों हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।